नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जिन्होंने भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा और भारत में सबसे पहली बार समाज सुधार की दिशा में अपना महत्वपूर्ण कदम उठाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय की। भारत के इतिहास में राजा राम मोहन रॉय एक ऐसा व्यक्तित्व है जिन्होंने भारत में प्रचलित विभिन्न प्रकार की कुप्रथाओं को पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगवाया और समाज में जातिवाद को खत्म करने के लिए 19वीं सेंचुरी में यानी 19वीं शताब्दी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 22 मई 1772 में बंगाल में हुआ था और उनकी शिक्षा में बहुत ज़्यादा रुचि थी और वो कई भाषाओं के जानकार भी थे, जैसे फारसी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी। इन सारी भाषाओं में वो बात कर सकते थे और लिख पढ़ भी लेते थे। अपने समय के वो सबसे महान विद्वानों में से एक थे और उन्होंने भारतीय समाज में सुधार के लिए जो परिवर्तन किया है, इसी वजह से आज उन्हें द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है, आधुनिक भारत के पितामह भी कहा जाता है। भारत में उनके सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन में से एक था सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन। ये वही सती प्रथा थी जिसके अंतर्गत यदि किसी महिला का पति मर जाता था, मृत्यु हो जाती थी, तो उस महिला को भी उसके पति के साथ उसकी चिता में जला दिया जाता था। जरा सोच के देखिए, आज के समय में ये प्रथा होती तो आप क्या करते हैं? समाज पूरी तरह से उनके इस आंदोलन के खिलाफ था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग लेकर के इस कुप्रथा को पूरी तरह से 1829 में बंद करवाया। उन्होंने न सिर्फ इसको बंद करवाया बल्कि महिलाओं की शिक्षा और समाज में उन्हें विशेषाधिकार देने के लिए भी कई सारे आंदोलन खड़ा किए। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की जिसके अंतर्गत समाज में समानता, न्याय एवं विशेषाधिकार जैसे मूल तत्वों को भारत में उजागर किया और लोगों को उनके अपने प्राकृतिक अधिकार के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा की। राजा राम मोहन रॉय का योगदान भारत में बदलाव लाने के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि उनको भारत का प्राचीन महान सुधारक के रूप में भी जाना। उनकी देन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, चाहे वो शिक्षा की बात कर ले, चाहे धार्मिक संवेदना सुधार की बात कर ले, चाहे समानता लाने एवं महिलाओं को विशेषाधिकार दिलाने की बात कर ले। वो भारत के प्रथम समाज सुधारक के रूप में उनको आज तक याद किया जाता है और याद किया जाता रहेगा। महिलाओं के प्रति जो इनकी संवेदना थी उनको आज भी भारतीय संविधान में हम देखते आए हैं और भारत सरकार ऐसे बहुत सारे कानूनों का निर्माण करके भारत में महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रही है। तो चलिए फिर, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो।